उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार एक्टिव मोड पर आ गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्या ने अल्मोड़ा में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों को समय से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हेलीपैड मार्ग समेत सभी व्यवस्थाओं को नियम अनुसार पुख्ता बनाए रखें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाली जनसभा के लिए उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है, इसलिए वो जिलों में जाकर की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी सभा पिथौरागढ़ में होनी है और उन सभा के एक हिस्से में हमारे जागेश्वर में भी उनका आगमन होना है। मैं समझती हूँ कि हमारा जनपद अल्मोड़ा हो, हमारा जनपद चंपावत हो, हमारा जनपद पिथौरागढ़ हो अथवा बागेश्वर हो, सभी ओर से और नैनीताल भी उसमें सभी लोग उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी विश्व पटल पर आएगा और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जो सभा पिथौरागढ़ में 12 तारीख को मोदी जी की होने वाली है, मुझे लग रहा है जिस प्रकार से मैं जगह जगह जा रहा हूँ, मैं परसों पिथौरागढ़ था, कल मैं चंपावत था, आज मैं अल्मोड़ा में हूँ, अभी मैं रानीखेत जा रहा हूँ, तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। भारी भीड़ वहाँ पर मोदी जी को सुनने के लिए आने वाले